सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इकरा हसन का पता अच्छी जीत हासिल करी और अपने दम पर करी जी। अपने दम पे जीती है, यहाँ योगी भी आया है, अमित शाह भी आया है, सब आया है। देखो युवा राजनीति को समझेगा और युवा युवाओं को वोट देगा तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा। इकरा हसन जीत गई है, आप खुश हैं इससे? जी सब खुश है जी, हम भी खुश है, हम तो खुश है जी बिल्कुल। गरीब मजदूर और किसानों का समर्थन सब बीजेपी के खिलाफ ही रहा है। इकरा तो उम्मीद हमें बढ़िया लमड़ी है, ठीक काम करेगी। भाजपा गुंडे पार्टी है, बुद्धि वो हम गुंडों के खेल रहे थे नहीं। हम चौधरी साहब के एनडीए में जाने के बाद भी आप लोग क्यों रहे इकरा के साथ, क्यों आपको भरोसा? आप कहीं जान ला मेरे पे टेका उसका। अच्छा, खास तौर से नरेंद्र मोदी का जो एटीट्यूड है एज प्राइम मिनिस्टर, मैं तो ये कह सकता हूँ इससे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैंने तो जिंदगी में देखा नहीं। कि मंगलसूत्र को मुसलमान छीन ले जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों को दे देंगे। मैं इसलिए खुश हूँ कि ये एक लोकतंत्र की जीत है और ये एक विकास की जीत है, ये किसानों की जीत है, मजदूरों की जीत है और हिंदू मुस्लिम एकता की जीत है। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी शामली के यहाँ मंडी पर हैं, यहीं पर ही काउंटिंग होती है और कैराना लोकसभा की जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से जो यहाँ पर प्रत्याशी थी इकरा हसन, उनकी जीत लगभग तय है, लगभग ही नहीं तय है, वो जीत चुकी हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ पर आएंगी अपना जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए। अभी रोड शो पर निकली हुई है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में और अभी यहाँ पर उनके समर्थक हैं। आइए उनके समर्थकों से बात करते हैं। साहब क्या नाम हुआ आपका? आशु चौधरी। हाँ जी आशु चौधरी जी। काशिफ साहब कैसा लग रहा है आज यहाँ? जी बढ़िया लग रहा, खुशी का माहौल है चारों तरफ। खुशी का माहौल है, सोचा था इतनी अच्छी 70,000 की जीत थी, ज्यादा सोचा था? ज्यादा सोचा था जी, जीत थोड़ी कम हुई, इससे ज्यादा सोचा था। क्यों कम हो गई? बस गर्मी की वजह से लोग कम निकले, परसेंटेज थोड़ा कम रह गया। अच्छा परसेंटेज कम रहा, ठीक है। इंडिया गठबंधन की भी कल 3 दिन पहले तक ओपिनियन एग्जिट पोल जो आए थे उन्होंने तो लगभग घोषणा कर दी थी कि 350-400 पार होने वाले हैं। आज इंडिया गठबंधन का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यूपी में रहा है, क्या आपने उम्मीद करी थी ऐसा कुछ? भाई इंडिया गठबंधन का तो पता नहीं जी, हमें इकरा हसन का पता अच्छी जीत हासिल करी और अपने दम पर करी जी। हाँ। किसी और के दम पर नहीं, अपनी मेहनत करके जमीन पर बिल्कुल सबके बीच में रह के और जीत हासिल करी। जयंत चौधरी जब पलट गए और उस तरफ चले गए थे तब आपको लगा था कि ये जीत फिर भी संभव होगी? नहीं बिल्कुल जीत तो संभव, जब मैंने जीत पूरी थी। इन्हें देख लो, कोई से नेता को नहीं बुलाया उनने अपने शहर में, ना उसे बुलाया अखिलेश को, ना किसी को बुलाया। यहाँ योगी प्रियंका कोई भी नहीं आया, अपने दम पे जीती है। यहाँ योगी भी आया है, अमित शाह भी आया है, सब आया है। देखो इकरा हसन किस तरह का काम करेगी? उन्होंने क्षेत्र में जाएगा, काम ही देखा क्या रुका हुआ है पब्लिक में, क्षेत्र में जाएगा यही चीज देखी भाई किस चीज की कमी क्षेत्र में है, शिक्षा की है, सड़क की है, क्या है, वो जमीन पर काम करा उन्होंने, वो आपको लग रहा है करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण काला डडोला। कृष्ण जी कहाँ से हो? मैं यहाँ से, अपना बापोली पानीपत डिस्ट्रिक्ट। तो पानीपत से यहाँ तक क्या करने आए? वो प्रत्येक नहीं है, लोग प्रत्येक नहीं है, बहन निकरा संजो है ना, वो जमीन से जुड़ी हुई है। ये जो नेता है ना, जो हवाई, ये हवाई थे, इन्होंने वोट ली और अवावाई का काम किया, लेकिन बहन जी ने जमीन से जुड़कर हर आदमी के दुख सुख को जाना पहचाना और उसको। इकरा हसन की लोकप्रियता का आपको अंदाजा मिलेगा इससे, हरियाणा से यहाँ पर आए हैं उनको जीतते हुए उनको देखते हुए देख करने के लिए। जी एक और सुनो, वहाँ पे नाका लगा रखा, हजारों गाड़ियां तो हरियाणा की उधर खड़ी कर रखी, देखो लोकप्रियता, मतलब हजारों गाड़ियां आप कह रहे हो हरियाणा से, ठीक है। क्यों आपको इकरा हसन इतनी पसंद आ रही है? काम करने का तरीका, एक लोगों के सुनने का तरीका, ये नहीं है कि एक और सुन मेरी बात, नेता क्या करते हैं, इस काम से सुना इसे निकाल दिया, लेकिन वो सुन के लोगों के दुख दर्द को समझ के उसको निपटाने का काम करते हैं। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा में भी सारे एग्जिट पोल ने जो कहा उसको पूरा गलत साबित कर दिया, वहां पर भी इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छी सीटें लाई हैं, अभी तक कम से कम 5 आगे देख लेना, इंडिया गठबंधन हरियाणा में सरकार बनाएगा, हरियाणा में नहीं पूरे भारत में बनेगी। क्या नाम है? माहिर। माहिर क्यों आए हो यहाँ? अजी युवा है, युवा का जोश है, खुशी का माहौल है। क्यों आपको लग रहा है, किस तरह के काम आपको लग रहा है इकरा कर पाएंगे? अजी झूठो फोन कर दिया, सच्चो नहीं आया जी।
अगर झूठों ने फोन कर दिया जी गांव में आ जाए तो सच्चो नहीं आई भाई आती है, मतलब सुनती है लोग, आदमी का दुख सुख सुनती है जी। हम यहाँ पे जो सभी जो वाड़ा जो खड़ा लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है, जब भी देश में कोई भी बदलाव आता है और देश की वर्तमान समय में अगर युवा राजनीति को समझेगा और युवा युवाओं को वोट देगा तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा। हमारे क्षेत्र में पिछले 5 साल से जो MP थे प्रदीप चौधरी जी थे, हमारे क्षेत्र के जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँ, इकरा जो है एक युवा है और लंदन से वो पढ़ के आई है और उसकी जो काम करने की जो उसकी कार्यशैली है वो बहुत अच्छी है, उसके पास विजन है। उत्तर प्रदेश में 2017 से कोई भी भर्ती परीक्षा निष्पक्ष तरीके से संपूर्ण नहीं हुई है, जितनी भी भर्ती परीक्षा थी पुलिस भर्ती की जो पेपर रद्द हुआ था, जो हमने बार बार अपनी वीडियोस में CCA ने जब UP पूरा घूमे थे यही दिखाया था कि उसको लेकर बहुत नाराजगी है लोगों में, और उसी का ही नतीजा जैसे नाजिर भी कह रहा है जो सरकारी भर्तियां नहीं निकली हैं, और साथ में जो पुलिस भर्तियों में जो रद्द हुआ पेपर, 60,000 से ज़्यादा नौजवानों के तब उम्मीदों पर पानी फिर गया, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा आज यहाँ UP में दिख रहा है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, पीछे चलते हैं। क्या नाम हुआ जी? साहिल जावला। साहिल जावला कहाँ से हो साहिल? बबीसा। बबीसा से हो आप, अच्छा तो ये बताइए बबीसे में कैसी वोटिंग रही थी, क्योंकि जाट तो बहुत कम निकले इस बार वोट करने के लिए। नहीं, जाट तो बहुत निकले, उमाओ माँ का वोट गई थी। हाँ, आपकी वोट कहाँ गई थी? संकिल पे, इकरा हसन। इकरा हसन पे, क्यों इकरा पर गए? इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, वहाँ जाना रखे गाँव मुँह में सही जगह। तो आपको लग रहा है कि एक नौजवान पढ़ी लिखी महिला है, काम करेंगी? बिल्कुल काम करेगी। साहिल एक चीज़ बताओ, बबीसा एक जाट बहुल गांव है, क्या उधर क्या करके चौधरी साहब के उधर जाने के बाद, भाजपा के साथ जाने के बाद, NDA के साथ क्या रुझान रहा फिर बाद में? हाँ तो आधम सूदी रहा आज। अच्छा, आधम सूदी, आधा मतलब इकरा पर गया, आधा इकरा पर, आधा वहाँ। ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ है कि मतलब चौधरी साहब के उधर जाने के बाद भी आधा वोट इकरा पर गया। तो ये बताइए, इतना बड़ा किसान आंदोलन रहा है पिछले दो तीन सालों में, तो बहुत बड़ा किसान आंदोलन जिसमें पश्चिम UP, क्या उसका भी एक इस बार चुनाव में उसका भी एक असर देखने को मिला? असर देखने को मिला, यहाँ 3 सीट है हमारे यहाँ मंडल में, तीनों ही गठबंधन जीत रही है। वही असर है मुजफ्फरनगर, कहराना। मैं ये बता दूँ, 10-11 साल पहले एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दंगे के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई बनी थी, लेकिन आज के चुनाव के नतीजों से आप ये देख सकते हैं कि वो खाई काफ़ी हद तक पट चुकी है। किसान आंदोलन हुए यहाँ, दलित आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलनों के बाद वो खाई बहुत कम हुई है। आपका नाम क्या है जी? मेरा अरशद मलिक है जी। अरशद जी, आप क्यों आए हैं? आपको उम्मीद थी ये जीतेंगे? बिल्कुल जी। कितने वोटों से? 150% हमें उम्मीद थी। अच्छा, क्योंकि बहुत ही दल बल के साथ हमने वोटिंग करवा था, बहुत ही हमें बहुत पहले से उम्मीद थी इस चीज़ की, और आप लोगों ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था ये मामला। हाँ नहीं, मतलब हमें जो ग्राउंड पर दिख रहा था, हमें लग रहा था जीतेंगे। आप गांव में गए भी थे, आपने इंटरव्यू भी लिया जगह जगह। जी जी, चलिए अरशद जी, फिर आगे भी लोगों से बात करते हैं। आपके एक जोड़ीदार बैठे थे तो भाग गए जी। चलो आगे चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सिफाउल हसन। जोर से बोलिए। सिफाउल हसन। कहाँ से हैं सिफाउल? शामली से। शामली से, मतलब शामली शहर से ही हैं या? शहर से हैं जी। बताइए आप क्यों आए हैं यहाँ? इकरा हसन के लिए आए हैं। क्यों आए हैं इकरा हसन का, क्यों आप समर्थन? वो एक बेहतरीन हो जाए, लीडर हमारी जाए, उसको सपोर्ट करते हैं हम। क्या आप लोगों को उम्मीद है? एक नौजवान, पूरी उम्मीद है उससे हमें, उम्मीद है बहुत। हाँ, पूरी पूरी। आपका नाम क्या हुआ? शमीम। हाँ, शमीम। शमीम साहब, अब बताइए, एक नौजवान महिला आपके यहाँ से जीती है चुनाव, क्या उम्मीद है? बड़ी खुशी की बात है जी। बड़ी खुशी की बात है। अच्छी उम्मीद है आपको? बढ़िया, अच्छा काम करेंगे। क्या नाम हुआ साहब? अरशद है जी। जोर से बोलिए। अरशद। अरशद कहाँ से हो? अरशद भूरा से जी। भूरा? अरे भूरा से है, आपके गांव की तो बड़ी चर्चा रहती है उधर। क्या होने वाला है आपको लगा था? भूरा से कितनी वोटें गई हैं इकरा पे? एक डब्बा तार दे, डब्बा मतलब बता दो असली। लेकिन आपको लगा था ऐसी जीत हो पाएगी? हाँ जी, ऐसी जीत होगी इकरा की। आपने मेरी बात सुनो, मैं बचपन से हसन परिवार का लगाव रखता हूँ। अरे जी, मैं बस जी, मुझे पता था कि जीत होगी। इतनी कम उम्र में, इतनी थोड़ी कम उम्र में, नू बता दो कौन से पूरे भारत में किसने जीत करी? बहुत बड़ी बात है। अरे बात विकास की भी सुन लो, विकास के मुद्दे पे आप बात ही नहीं करते जी। क्या विकास, क्या विकास की उम्मीद कर रहे हो इकरा? क्या विकास करेगी आपके इलाके? एक तो मैं अपने गांव में बच्चों के लिए स्टेडियम लूंगा। ठीक है। और एक मैं क्या नाम लेकर खेल मैदान लूंगा।
एक बच्चों के लिए स्कूल तो बनने जा रहा है, लड़कियों के लिए तो एक बन भी रहा है, इंटर कॉलेज बन रहा है, बनने जा रहा है, और आगे सड़कों में भी सड़क एक से एक नंबर लेवेंगे। सड़कों का काम सुधारना है वहाँ, सड़कों का भी यार। और सुन लो, जो मतलब इस सरकार में मुस्लिम समाज थे, जो गरीब महिला हुई थी उसके 20,000 रुपए शादी अनुदान के आया करे थे, वो बीजेपी सरकार ने वो क्यों बंद करेगा? क्या हमने वोट नहीं दिए मुस्लिम समाज? नहीं, सारी गरीब महिलाओं के लिए वो 20,000 रुपए का मिलता था, वो बंद कर दिया। शादी अनुदान के लिए जो मिले थे वो बंद कर दिया। इसके बाद इकरा की एक और चीज ये जो बता रहे हैं कि इस बार 30 साल की उम्र के कम से कम 3 उम्मीदवार, जो इकरा से भी 2 नौजवान उम्मीदवार हैं और इकरा एक हैं, जो 30 साल से कम हैं, 25 साल के, 28 साल के, 3 ऐसे उम्मीदवार जिनमें से 2 महिलाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जीती हैं। ये मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत स्वस्थ चीज़ है कि महिलाएं और नौजवान महिला और साथ में नौजवान खुद आगे आए राजनीति में और चुनाव जीते। आइए आगे भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अंकुश है जी। कहाँ से हो अंकुश? मैं मुंडेट कला से जी। मुंडेट कला? मुंडेट कला से हो तो क्या अभी यहाँ चुनाव नतीजों की वजह से आए हो? चल तो वोटिंग ही खुली रही है जी, अभी इसके कारण क्या पता इकरा संजीत गई है। आप खुश हैं इससे? जी सब खुश है जी, हम भी खुश है, हम तो खुश है जी बिल्कुल। वोट आपका कहाँ गया था? मेरा तो इकरा पर ही गया था जी। इकरा पर ही गया था साइकिल पर। तो ये बताओ, साइकिल जो यहाँ से इकरा हसन जीती है, आप भी नौजवान हो, इकरा भी एक नौजवान प्रत्याशी है, बड़े सालों के बाद कैराना में इतने कोई नौजवान प्रत्याशी जीते हैं, आपको उम्मीद है नौजवानों के मुद्दों पर, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बाकी भी खेल कूद के जो अवसर होते हैं, बाकी चीज़ों पर, क्या इकरा हसन काम करेंगी? यहाँ लगता है जी उम्मीद लग रही है, की बार लग रही है जी बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? बिल्कुल जी अंकुर कुमार है जी हमारा। एक अंकुर कुमार जी। अंकुर आपको उम्मीद है इकरा काम करेगा? बिल्कुल जी काम करेगा जी बिल्कुल, देश के लिए, हमारी तरफ से कोई हो जी काम और करेगा अच्छा। आप भारत BKU से हैं? आइए आइए आइए। क्या नाम हुआ? चौधरी महरुद्दीन। चौधरी साहब, आप लोगों का समर्थन क्या इकरा के लिए रहा था इस चुनाव में? ये सब गरीब मजदूर और किसानों का समर्थन सब बीजेपी के खिलाफ ही रहा है। हाँ जी। आपको यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन की भी बहुत अच्छा नतीजा निकला यूपी में, साथ में इकरा भी यहाँ से जीती है, आपको कितनी खुशी है? क्या आपको उम्मीद है कि जो किसानों के जो बड़े बड़े संघर्ष और आंदोलन रहे थे, आप BKU से हैं इसलिए पूछ रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि ये नई, अगर नई सरकार बनती है तो क्या किसानों की बात को भी वो सुनेंगी पिछली सरकार के मुकाबले? यदि नई सरकार का बनती है तो किसानों की सभी आवाज़ सुनी जाएगी, सभी मुद्दों को ज्ञानतापूर्वक पूरा किया जाएगा, जो भी किसानों की मांगे हैं जैसे MSP गारंटी कानून हो वे सभी संपूर्ण होंगे इंडिया सरकार के अंदर। इंडिया आपको उम्मीद है। चलिए आइए, आपका नाम? मेरा नाम बिलाल आलम। कहाँ से हैं? कैराना। खुश हैं आप इस चीज से? बिल्कुल खुश हैं। क्यों खुश हैं? मैं इसलिए खुश हूँ कि ये एक लोकतंत्र की जीत है और ये एक विकास की जीत है, ये किसानों की जीत है, मजदूरों की जीत है और हिंदू मुस्लिम एकता की जीत है। आपको लग रहा है जो खाई बनी थी 2013 के दंगे के बाद वो पट गई है? खाई खाई बनी नहीं थी, बनी नहीं थी, और जो बनी थी वो खत्म बहुत पहले हो चुकी थी, खत्म हो गई है। चलिए ताऊ कहाँ से हैं आप? अभी बात करते हैं। हम ताने से। ताने से। ताऊ नाम क्या हो अपना? सहदेव। सहदेव जी, आप क्या यहाँ इकरा के समर्थन में आए हैं? हाँ। क्यों आप लोग इकरा का समर्थन कर रहे हैं, क्या उम्मीद रखी है आपने इकरा से? इकरा तो उम्मीद हमें यहाँ हो गया बढ़िया लमड़ी है, ठीक काम करेगी, भाजपा गुंडे पार्टी है शुद्धी, वो हम गुंडू के गैल रहे थे नहीं, हम ठीक आदमी गैल रहे हैं, इकरा बढ़िया लमड़ी है, ठीक काम करेगी, अगत के हिसाब से उसकी गैल लगे। चौधरी साहब के NDA में जाने के बाद भी आप लोग क्यों रहे इकरा के साथ, क्यों आपको भरोसा था? आप कहीं जान ला मेरे पे ठेका उसका। अच्छा है? बिल्कुल सही बात है, वोट अपना होता है, किसी का ठेका नहीं होता, सही कह रहे हैं बिल्कुल। तब आपका नाम? वो यहाँ रहता है और भी ज्यादा आती सीट, बिल्कुल सारा बेड़ा कर रख कर दिया। आपको दुख है क्या कि रालोद जो उभरी थी चुनाव और किसान आंदोलन के बाद और पिछले विधानसभा में, कहीं ना कहीं ये चुनाव के नतीजे देखकर लग रहा है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार गए? अपने पैर पर मारी, बहुत बारी आओगी तो समय होकर है, जो समय एक बल निकट जाओ फिर दोबारा नहीं आता। आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका था जो खो दिया? बहुत बढ़िया मौका था, बहुत बढ़िया, हम लोग कहें अखिलेश गैल फर्क आ गया था तो भी नहीं जाना था, केले ही रह लेते जब भी कोई दिक्कत नहीं थी जी। तब आपका नाम क्या हुआ?
मैक सिंह देसवाल, एडवोकेट बदगांव बदेव। मैक सिंह साहब बताइए, ये आप जाट समाज से काफ़ी इस बार जो देखने को मिल रहा है, उम्मीद से ज़्यादा ही वोट शायद इकरा को पड़ा, इसका क्या कारण आपको लग रहा है? ये केवल जाट समाज की नहीं, ये सारे समाज की बात है। छत्तीस बिरादरी साथ है और ये केवल जयंत चौधरी का निर्णय हो या बीजेपी का निर्णय हो या किसी का भी निर्णय हो, पार्टी को श्रेय तो जाता ही है, कांग्रेस को सपा को जाएगा यूपी में जरूर, लेकिन ये जनता का फैसला है। जनता की लड़ाई थी, जनता की लड़ाई थी बीजेपी के, खास तौर से नरेंद्र मोदी का जो एटीट्यूड है एज प्राइम मिनिस्टर, मैं तो ये कह सकता हूँ इससे वर्स प्राइम मिनिस्टर मैंने तो जिंदगी में देखा नहीं। ऐसा क्यों आपको लगता है? उसके बयान ही ऐसे थे कि मंगलसूत्र को मुसलमान छीन ले जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों को दे देंगे, है बदतमीजी की बात है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल का आदमी ऐसी बात बोलता है? हिंदू मुस्लिम का नारा और उनका था के बारे कुछ बात ही नहीं थी। अयोध्या मंदिर को, अयोध्या भी हार गए, वो मंदिर को टाउ फिर हैं, फैजाबाद भी सीट हार गए हैं, सिवाय हिंदू मुस्लिम के उसके पास में कोई मुद्दा। अमित शाह, योगी, मोदी ने जो जो माहौल बना, जनता ने उसका जवाब दे दिया। ये जो टाउ केवल किसी एक जाट समाज के या किसी ब्राह्मण या हरिजन के नहीं है, सब साथ आम जनता ने साथ फैसला लिया। अच्छा चलिए, आप इधर आ जाइए, अच्छा उधर आ जाइए। वहाँ पुलिस को थोड़ी परेशानी हो रही थी उधर, तो हम लोग अपना इंटरव्यू अभी इधर ले आए हैं। ताऊ जो बात कर रहे थे अभी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि हमने अपने कई वीडियोस में जब हम पूरे उत्तर प्रदेश जा रहे थे, लोगों से उनके दुख समझने की कोशिश कर रहे थे, मुद्दे लोगों के पूछ रहे थे, और ये बात हमने कई बार कही थी कि प्रधानमंत्री के चाहे आप पक्ष में हैं विपक्ष में हैं, लेकिन एक लोकतंत्र में जब वो जीतते हैं तो सबके प्रधानमंत्री होते हैं, किसी एक जात धर्म के नहीं। तो बुरा लगता है जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि लोग आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे या आपकी प्रॉपर्टी मुसलमान, क्योंकि किसी एक जात धर्म के प्रधानमंत्री नहीं थे। तो बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं दिल में बहुत तकलीफ़ होती है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है तो कि जनता ने ही उस चीज़ का जवाब दिया है? हाँ यस, इसमें मैं ये सोचता हूँ कि किसी पार्टी का श्रेय नहीं है, ये जनता की अपनी आवाज़ थी जिन्होंने अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी को जवाब दिया है, ये बड़ी चीज। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने काफ़ी मेहनत की, वो बात ठीक है, करने भी चाहिए थी, लेकिन वो तो हर बार करते हैं, पिछली बार भी करते हैं, लेकिन जनता ने जो रेस्पॉन्स की बात दिया, और पूरी जनता ने दिया, ऐसा जो परिवर्तन होता है वो किसी एक जाति बिरादरी से नहीं होता, तमाम जनता जब खड़ी होती है, जैसा 1977 में खड़ी हुई, 1989 में खड़ी हुई या 2004 में खड़ी हुई, ऐसे मतलब अकेले ऐसा नहीं होता, जनता जब खड़ी होती है तब नेता को साथ मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, यह जनता का फैसला है, बीजेपी के खिलाफ है। मैं ताऊ ये भी कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी का सत्यानाश कर दिया, केवल अपने आप को मैं मोदी हूँ, मोदी की गारंटी है, मोदी का मैं तो एडवोकेट हूँ, मैंने तो कानून पढ़ा, मुझे 47 साल वकालत करते हो गए, कानून कोई होता ही नहीं, अपने आप को प्रधानमंत्री मान लिया, पूरा प्रावधान है कि जो सबसे बड़े दल का नेता होता है उसे पार्टी नेता चुनती है, तब वो राष्ट्रपति उसे इनवाइट करते हैं, तब प्रधानमंत्री बनना, उन्हें चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी है, मुमकिन है, हर घर मोदी, बदतमीजी की सारी हद पार करती नरेंद्र मोदी जी ने। ये बड़ी बात बोली है तुमने, क्योंकि ये हमें समझना भी पड़ेगा, और जो पहले कह रहे थे कि ये जो जनता का चुनाव है, दरअसल ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर ज़्यादातर सीटें, यहाँ पर जो संगठन था ज़्यादातर राष्ट्रीय लोकदल और बसपा का होता था, ये दोनों पार्टियां किसी न किसी कारण से पीछे गई हैं, और सपा जब राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन टूटा उसके बाद यहाँ लिटरली अगर आप देखेंगे तो सपा का उस तरह से संगठन इतना मजबूत नहीं था जितना यहाँ के लोग और यहाँ के उम्मीदवारों ने यहाँ पर वो मेहनत करी। और पहले चरण में आप देखेंगे 8 में से अभी तक लग रहा है कि 6 सीटें शायद बीजेपी हारने वाली है, पहले चरण की जो 8 सीटें थी। आप आखिर में मुझे ये बताइए, 2013 में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ हुई थी जिससे एक पुराने समय से जो यहाँ के किसान, हिंदू मुस्लिम किसान साथ रहते थे, कहीं ना कहीं उसमें एक खाई आई थी, उसके बाद बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए हैं, काफ़ी उसमें बदलाव देखा। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं अब ये चुनाव का नतीजा ये भी संकेत इशारा दे रहा है कि वो जो खाई आई थी वो पूरी तरह से अब पट चुकी है? ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है और विचारणीय भी है। मैं ऐसा भी मानता हूँ कोई अदरवाइज ना ले, बीजेपी सरकार आई ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गलतियों से थी। राहुल गांधी ने अपने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया, सरेआम कानून बनाए, उनके तो फाड़े, उसका नतीजा गौर जनता ने देखा। और ये मैं मानता हूँ अब की बार हमें इस बारे से सचेत होना चाहिए,
खास तौर से मैं युवा वर्ग को कानून व्यवस्था की स्थिति पर यह 10 साल से हमें गाली दे रहे हैं। कानून व्यवस्था खराब हुई तभी तो ये आए। अब की बार हमें यह सतर्क रहना पड़ेगा, खास तौर से हमारे नौजवानों को और जिनके बारे में वो इशारा करते हैं उनको भी, कि कानून व्यवस्था किसी तरह से खराब ना होने दो, वरना अब की बार अगर पलटी होगी तो उसे नहीं पलट सकते। सब लोगों को शांतिपूर्वक अपने काम में लगना चाहिए, कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए और 2027 में मैं समझता हूँ ये भी जागी। अभी 2024 का जो चुनाव हुआ यहाँ पे, जब भी आपने देखा होगा जब राष्ट्रीय लोकदल छोड़ कर चली गई थी तो यहाँ पे लग रहा था पश्चिम में कि कुछ नहीं रहा है, वन साइड ही चुनाव जा रहा है। लेकिन उसके बाद में जैसे कि समाजवादी पार्टी और जी यहाँ की जनता ने खुद आके हमारे सर्व समाज में, जिसमें से हमारे जाट समुदाय के लोग भी थे, उन सभी लोगों ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है उससे लगा कि पहले चरण की लगभग 6 सीटें यहाँ पे क्या नाम गठबंधन जीत गया है। और ये माननीय मोदी जी और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ वोट पड़ा है, जिसमें कि अग्निवीर राष्ट्र मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानी मुद्दा है, तो इस तरीके के मुद्दों को क्या नाम लोग पब्लिक ने लिया और उसी उस पर वोट। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, खेती एक बड़ा मुद्दा है। आपका नाम क्या हुआ? मिस्टर गुलसार खान। सर, रोजगार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, लेकिन जैसे भर्ती का लीक होना, एग्जाम समय पर ना होना, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी है, युवा बहुत ही भटकते फिर रहे हैं इस सरकार में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इसको नकारा है। पूर्ण मुहम्मत सरकार जो है बनाने चाह रहे थे 400 पार, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश ने समझा है, 36 बिरादरी के लोगों ने इस बात को समझा है। लोग बाग शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, अब वो बात नहीं रही। अब एक तरफा वोट, बहुत ही अच्छी लोगों ने वोट डाल के बहुत ही अच्छी सरकार बनाई है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अच्छी अच्छी कैंडिडेट बनाई है। ये बहुत सरकार को नकारा है, सरकार नकारा है सरकार को। जनता यहाँ पर ये कह रही है, मुद्दे हैं रोजगार, मुद्दे हैं महंगाई, मुद्दे हैं सड़क, मुद्दे हैं किसानी के, मुद्दे हैं मजदूरी के, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। वो लाकर चुनाव की गरिमा ना ख़राब करें, और उसी का ही जवाब यहाँ के जनता ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन ननौते में हिंदू राजपूतों की पंचायत हुई थी। हिंदू मुस्लिम आपको हमने दिखाया भी CCA में बार बार कैसे बड़ी बड़ी यहाँ राजपूतों की पंचायत हुई थी। यहाँ पर पूरा लोगों ने, जो आप देख सकते हैं पश्चिम यूपी में जहाँ एक समय पर खाई बनी थी, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम सब साथ आकर यहाँ पर एक साथ वोट कर रहे हैं, अपने असली मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। जुड़े रहें CCA के साथ। धन्यवाद।